हेलो दोस्तों, और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले जो भी हमने काइन मास्टर के ऊपर बनाया था वीडियो डेटिंग के बारे में, दूसरा पार्ट है इसका। तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना आपको सब बताएंगे, ठीक है। जैसे अगर किसी ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके जरूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। पहला पार्ट देखने के बाद फिर दूसरा पार्ट भी देखना, ठीक है। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ना ही फालतू बकबक करूँगा ना भनभन करूँगा, आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। और क्या क्या उसमें आपको सिखाने वाला हूँ वो आपको दिखाने वाला हूँ बताने वाला हूँ। तो चैनल पर जो भी नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, और जाते जाते लाइक करके ही जाना, और छोटा मोटा जो भी हो यार दिल में आपके बात हो कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलते अपने वीडियो की तरफ, दूसरा पार्ट है याद रखना, ठीक है। तीसरा पार्ट भी आएगा लेकिन कब आएगा पता नहीं। तो देखिए दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको पता, मैंने वीडियो में बता ही दिया आपको मतलब किस तरह ऐड करना है और सेव करना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में देखिए मैं आपको क्या खास बताना हूँ। जैसे कि आपको पता है यहाँ से आपको जो वीडियो ऐड करना है ये दूसरी पार्ट है, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा, ठीक है। मैंने ये वीडियो ले लिया है, अब वीडियो ले लिया, अब देखिए हम इसमें क्या करने वाला, मैं आपको बताने वाला। देखिए जो ये दिख रहा डंडा या लकड़ी या एरो या पॉइंट, ये देखिए ये जो बीच वाला आपको मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये जो दिख रहा है आपको बीच में ये ऑरेंज ऑरेंज। अब देखिए, अब पीछे इसके जो म्यूज़िक तो नहीं है, बट मैं आपको जो इसका वॉल्यूम है, ये देखिए इसकी वॉल्यूम है, तो इसके वॉल्यूम इस पर टाइप करना है। ये देखिए टाइप करोगे इस तरह इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पे देखिए ये वॉल्यूम का बन के आ रहा है, यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो इससे आप ज़्यादा हो जाएगा। देखिए ये देखिए इसे कम ज़्यादा हम वॉल्यूम कर सकते हैं इससे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए इससे, और यहाँ पे ऑटो वॉल्यूम करोगे तो अपने हिसाब से मतलब एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद यहाँ से आपको लेफ्ट में मतलब जो आप एयरफोन लगाते हैं हेडफोन लगाते हो तो यहाँ से लेफ्ट में बजेगा, यहाँ से राइट में बजेगा, ये आप ऑप्शन कर सकते हैं, मतलब हम ऑप्शन कर सकते हैं। सर लेफ्ट हेडफोन में सुनना है इससे, राइट में सुनना है तो इससे, ठीक है। अब यहाँ पे हम ओके कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हम म्यूज़िक भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इसके पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना है, गाना लगाना, तो कहाँ से हम करेंगे, देखिए यहाँ से ये दिख रहा है आइडियो, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और जो आपको कहीं से आपने डाउनलोड किया है म्यूज़िक या कहीं से भी, तो सॉन्ग पे आप जाइए, यहाँ से आपको जो मिलता है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको बताने वाला हूँ, जो म्यूज़िक बॉक्स है ये एक सेकंड का गाना है, यहाँ पे सेकंड भी पता था कितने सेकंड का है कितने सेकंड का नहीं है, तो भी आप जरूर देख लेगा ध्यान से, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग है, तो मैं अभी यहाँ से ये यहाँ से टैप करके यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ऐड हो चुका है, दिख रहे हैं यहाँ पर ऐड हो चुका है म्यूज़िक, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको टैग्स ऐड करना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाना है कि लाइक करो सब्सक्राइब करो या कुछ लिखना है, तो आप कहाँ से लिखोगे, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको लिखा जा रहा है टैग्स, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे जब इस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर लिखिए ओके ओके मोनो मोनो, ठीक है। ओके करेंगे हम यहाँ पे, और इसको जहाँ पे आपको रखना है ये यहाँ पे टैप करके होल्ड करना है, इसको आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे टैप करके ऐसा होल्ड करना है, उसके बाद आपको जहाँ से आपको चाहिए, जैसे अगर ये आपको ये वीडियो पूरे वीडियो में चाहिए तो इसको यहाँ पे टैप करके इसकी लेंथ यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, देखिए इस तरह इसकी लेंथ आप बढ़ा सकते हो। और अगर आपको एक जगह पे चाहिए तो इसको छोटा करके उसे टैप एंड होल्ड करके यहाँ पे आप रख सकते हो, तो क्या होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ही आएगा वीडियो में, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको इसको लास्ट तक रखना है तो यहाँ से टैप करके आपको यहाँ लास्ट तक लेके जाना है, ठीक है। और उसका फ्रंट वगैरह देखिए यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर टैप करके इसका क्या सिस्टम है क्या नहीं, आपको शैडो यहाँ पे देना है, कलर देना है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये सब सेटिंग वगैरह है। और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, और देखिए जैसे कि कोई अगर वीडियो का आपका पार्ट कट करना है तो आपको फ़िलहाल तो ये ध्यान रखना है, आपको ये जो लाइन बना हुआ ऑरेंज वाला समझिए, मुझे यहाँ से वीडियो का पार्ट कट करना है 20 से, तो हम यहाँ पे कट करेंगे। उसके बाद देखिए जो भी पार्ट होता है मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से कट के ऑप्शन पे आप यहाँ से राइट से कट कर दीजिए, लेफ्ट से कट कर दीजिए, आपकी मर्जी है, यहाँ से आप कट हो जाती है वीडियो, ठीक है। अब जैसे कि हमें कोई डिलीट करना है, जैसे ये टाइप किया हमने, इसको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आया, ये उड़ जाएगा मतलब ख़त्म, उसके बाद आएगा यहाँ से कट करोगे आप, यहाँ पर राइट का ऑप्शन है लेफ्ट का ऑप्शन है, और इसको भी इसी तरह उड़ा सकते हो, देखिए टाइप किया ख़त्म, ये वीडियो है ये कट करना है, यहाँ से राइट को कट करना है लेफ्ट को कट करना है, कहाँ से कट करना है आपको, जैसे कि अब देखिए जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से जो बीच का ऑप्शन है देखिए यहाँ से ये बीच से कट होगा पार्ट, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ से लेके जाना है, ये बीच में यहाँ पे टैप करना है, यहाँ पे टैप करना है, उसके बाद यहाँ पे टैप करना है, ये बीच का पार्ट हो गया गैप, मतलब ये आपका वीडियो चलेगी यहाँ से बस कट हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टैप करना है बीच वाले पे, इसको डिले कर देना है, ये इस तरह कुछ होता है कट का सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर कट करके आप
कर सकते हो कट का सिस्टम है। ओके, मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, कोई हाई लेवल का नहीं बता रहा हूँ एडिटिंग, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं टैप करके, यहाँ पे जब आप मुझे राइट का पॉजिशन आपको बता रहे हैं, यहाँ पे तो पार्ट हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे ऐड लग चुका है। तो यहाँ पे मैं टैप करूँगा तो मुझे यहाँ से राइट का पार्ट कट करना है, तो यहाँ पे करना है, कट हो जाएगा पूरा राइट का, लेफ्ट का यहाँ से बीच का कट होगा, ठीक है, यहाँ से फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, इस तरह होगा। और उसके बाद आपको एक और ट्रिक बताने वाला हूँ मैं, तो वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है, कट मत कीजिए वीडियो को भी, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। पका रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ उसके लिए सॉरी। अब देखिए दोस्तों, मैं ज़्यादा वीडियो बड़ी करना नहीं चाहता, आपको फाइनल ट्रिक बताऊँगा। जैसे कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन, अब देखिए कट का तो आपको समझ में आ गया, कॉपी का समझ में आ, पेस्ट का समझ में आ, ठीक है। अब जैसे कि मुझे कोई वीडियो है उसको मुझे दोबारा चलाना है, तो डुप्लीकेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने टाइप किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थ्री आइकन पे टाइप किया, डुप्लीकेट, यहाँ पे मैं करता हूँ डुप्लीकेट, देखिए यहाँ पे ऐड हो चुका है। मतलब यही जो वीडियो का पार्ट है अभी यहाँ पे फिलहाल ऐड हो चुका है एक्स्ट्रा, टाइप करके यहाँ से आपको उड़ा देना है, ये ख़त्म। लेकिन अगर आपको डुप्लीकेट चाहिए तो यहाँ पर टैप करके जो भी हो, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे टैक्स ऐड करता हूँ कुछ भी, ओके मोनो यहाँ पे मैंने ऐड किया, तो मुझे अगर दोबारा आगे भी चाहिए, इतने पार्ट में ही चाहिए, मतलब समझ लीजिए इतने पार्ट में मुझे चाहिए, तो मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टैप करूँगा, यहाँ पर थ्री डॉट पे, और यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन करूँगा, देखिए एक यहाँ पर बन चुका है। तो मुझे वहाँ पर उसको टैप करके ऐसा होल्ड पकड़ के यहाँ पर उसको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। ये ट्रिक है, आप इसको आजमा सकते हो, काफ़ी अच्छी तरीके। उसके बाद आपको तो पता ही है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ टैग करना है, उसके बाद जो क्वालिटी आपको चाहिए, यहाँ पे फ्रेम रेट आप 30-25 पे रखिए, क्वालिटी फुल कर लीजिए कोई बात नहीं। और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट पे ऑप्शन पे जो है ओके कर देना है, देखिए यहाँ से वीडियो आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। ये हमारी दूसरी पार्ट है वीडियो, तीसरी भी बहुत जल्द आने वाली है, लेकिन कब आएगी पता नहीं। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया आएगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अगर कुछ समझ में नहीं आया, कन्फ्यूज लग रहा तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो तब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।